ट्राइपॉड मैंने यहाँ लटका दिया। किचन को समेटने, आप मुझे बताओ कि बिस्तरे कौन सारे समेटेगा और पोंछा। आज स्कूल से ऑफ था और मेरे बच्चों ने घर के काम में मेरी मदद करवाई और वो अमूमन मेरे घर के कामों में मेरी मदद करवाते हैं क्योंकि मैंने उनको ये आदत डाली है कि अपना काम खुद करना है, अपना कमरा खुद समेटना है, अपना वॉशरूम खुद साफ़ करना है, तो वो दस्तखान उठाना है, दस्तखान को बिछाना है, तो इन छोटे मोटे कामों में जैसे हम स्कूल में पूछती हैं मैम कौन कौन अपने घर में अपनी मदर की हेल्प करवाते हैं तो बच्चे हाथ तो खड़ा कर देते हैं, लेकिन अमूमन बच्चे ऐसे काम नहीं करते। लेकिन आपने खुद अपने बच्चे की तरबियत करनी होती है, बज़ाहिर सारा काम बच्चे नहीं कर रहे होते, मतलब आप कर रहे होते हो, मैं पीछे से सारा काम बेशक खुद कर रही हूँ, लेकिन छोटे मोटे उन्हें काम करने की आदत पड़ जाती है अपनी और खुद भी होते हैं, उनके लिए एक एक्टिविटी बन जाती है कि हाँ हमने ये काम किया और बड़े जो है फ़ख्र से बताते हैं हम मामा की हेल्प करते हैं और इस तरह, तो उनकी भी एक्टिविटी भी होती है, आपको भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे को भी एहसास होता है कि वो अपना काम खुद करेगा। सो आप भी अपने बच्चों में ये आदत डालें कि वो अपना काम खुद करें। गाइस कैसे हैं आप, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज सैटरडे वीकेंड है, मैं सोचा आज डेली व्लॉग बनाते हैं, रूटीन व्लॉग बनाते हैं वैसे लाइफ की। और अभी मैं उठी हूँ, टाइम यहाँ 10 के करीब करीब होने वाले। अच्छा क्या हुआ है कि बच्चा मेरा एक इधर साथ होता है जो उठ के जा चुका है, अली का ऑफ नहीं होता, अली भी जा चुके हैं। वो जो बच्चा गया है वो लोग बस सुबह उठते हैं और मोबाइल उठाते हैं और तीनों घुस जाते हैं उधर और कार्टून देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा वो आके मुझे उठाएंगे भी नहीं, ठीक है, उन्हें नाश्ता भी नहीं चाहिए, अगर दिन एक भी हो जाए बस उन्हें मोबाइल मिल जाए। अभी फ़िलहाल हमने सेटिंग गद्दे की अपनी नीचे ही रखी हुई है क्योंकि बैठ दिया हुआ है मैंने बनाने के लिए, और अभी हम छापा मारते हैं ज़रा, उन्हें कहते हैं कि लाइट ऑन पंखा ऑफ करें जी, और छापा मारते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? एक इधर लगा हुआ है, एक उधर लगा हुआ है। और ये सुबह उठ के अगर इनको आप 1, 2, 3, 4 बजे तक भी खाना ना दो ना, तो ये बच्चे ऐसे ही ज़िंदा रहते हैं बजाय कि मुझे आके उठाए और कि मम्मा हमको चाहिए, या ये खिड़की खोल दिया करो तुम लोग। चलो उठो मुँह हाथ धो, बारी बारी हम भी जा रहे हैं मुँह हाथ धोने के लिए, उठो 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 फटाफट एक एक करके जाओ, शाबाश शाबाश चलो। और मेरा भी ज़्यादा सामान वहीं पैक पड़ा हुआ है क्योंकि अभी मैं नई नई शिफ्ट हुई हूँ उस घर में, और थोड़ा समेट दिया, थोड़ा सामान स्टिल पैक पड़ा हुआ है मेरा, और उसको आहिस्ता आहिस्ता मैंने अलमारी भी बनाने के दी हुई क्योंकि इस घर में अलमारी नहीं है, स्टोर था सिर्फ, लेकिन हमने जो है ना वो इस स्टोर को नमाज वाला कमरा बनाया है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ नमाज पढ़ते हैं सारे, तो उसको स्टोर की तरह यूज़ नहीं करती मैं। तो आज ग्रॉसरी लेने भी जाना, वो भी ऐड कर दूँगी मैं इसमें, अपना बिस्तर बाद में समेटेंगे, पहले हम वॉशरूम में मुँह धोएंगे। और चलें जी हम फटाफट मुंह धो लेते हैं। जल्दी धूप आ जाती है उस टाइम में अपने पौधों को हल्का सा जो है ना, क्योंकि इंडोर प्लांट्स हैं इनको धूप लगा देती हूँ, ये बेचारे बहुत रो लगे हैं क्योंकि कभी इधर शिफ्ट कभी इधर, जब हम मम्मी के घर के पास मेरे घर तरवाद में उधर शिफ्ट हुए थे तो वहाँ पे ना घर में मेरी धूप नहीं आती होती थी, जिसकी वजह से मैंने मम्मी के घर गए थे, मम्मी ने छत पर रखे जिसकी वजह से बहुत ख़राब हो गए थे, तो इनको थोड़ी सी धूप की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा नहीं तो इसलिए ख़राब हो जाते हैं। अभी हम चलते हैं अपने किचन में। अच्छा ये दोनों जो है ना ये बेचारे इंतज़ार में, ये वैसे मेरी जो है मेरी अम्मा मैंने कहती हूँ उनका ये फर्नीचर था, उनकी शादी के टाइम का फर्नीचर था, मेरा अपना ड्रेसिंग, अभी मैंने बेड इधर नहीं ला रही क्योंकि बेड मेरा बहुत भारी था, तो वो 7 बंदों ने मिलकर उठाया था जब हम घर में लेके आए, तो अब यहाँ से यहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर है तो यहाँ पर मैं वो नहीं ला रही, जस्ट ड्रेसिंग एंड अपना जो है अलमारी लाऊंगी उसको पॉलिश के लिए दिया हुआ और बेड नया बनवा रही हूँ। तो ये मैं लाई थी, ये मैं आजकल बड़ा ट्रेंड है जो मिरर का, तो मैंने कहा यहाँ पर बड़ी मज़े की तस्वीरें आएंगी,
इसको मैं डिसाइड करने अभी सोच रही हूँ खुद करूँ, तभी दिल करता है इसका कलर बिल्कुल चेंज ना करूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये डिज़ाइन और डिज़ाइन भी हर कलर भी, लेकिन फिर कभी कभी ये इसको कोई मज़े का यूनिक सा कोई कलर करके ये भी इधर उधर शिफ्टिंग में इसको सीस लगी हुई थी जिसकी वजह से ये थोड़ा सा क्रैक कर गया। आप देखें इसके साथ में क्या करते हैं, इसको फिर इसको मैं अलग यूज़ करूँगी एज अ मिरर के तौर पर साइड पर कॉर्नर पर, और इसको जो है ना मैं यहाँ हमारा टीवी लगेगा, टीवी के नीचे वाला जो टेबल होता है इसके तौर पर यूज़ करूँगी। इसको भी अभी हमने कलर करवाना है लेकिन ये बेचारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है फिलहाल, मैंने कहा दिल रख देते हो ना, पिछले दफा भी बाहर रखा था तो खराब हो गया। और मेरे बर्तन रात को मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, सुबह में उठी मैंने नमाज़ पढ़ी और अली की चाय बना के रख दी क्योंकि अली ने जाना था, मैंने रात को मुझे जीत का हो रहा था नींद ही नहीं सही आई, तो सुबह मैंने नमाज नमाज़ पढ़ी, अली की चाय शाय बनाई और उसके बाद जो है मैं सो गई दोबारा दोबारा सो गई। तो अभी जाके उठी हम चाची भी खिड़की खोल लेते हैं ताकि रोशनी अच्छे से आई। नाद अली का कोई मिला हुआ था, अली साइकिलिंग का तो मैंने उसका बनाया था तो वो वापस ले आया, मैंने इधर ही रख दिया फिलहाल उसको। अभी हम किचन से बैठेंगे और सबसे पहले हम नाश्ता बनाते हैं, नाश्ते के लिए जो अली आज ब्रेड लाया है वो मेरा पाकिस्तान वाली ब्रेड है, मैंने कहा ब्रेड बड़ी लाना, बच्चे छोटे वाले दिन ज़्यादा खाते हैं, तो वो जो बड़ी ब्रेड लाया उसका साइज़ देखें माशाल्लाह हमारी जो है ना अच्छी खासी बड़ी है। और बस आप फटाफट मैं नाश्ता बनाती हूँ। रात में मैंने मैक्रोनीस बनाई थी जो वीडियो रिकॉर्ड की थी, ये थोड़ा सा चेंज फ्लेवर में बनाई थी मैंने, मैं गई मैक्रोनीस देने के लिए तो वहाँ पर मुझे जैसे कहा मैक्रोनीस मसाला भी चाहिए, मैंने कहा है मैक्रोनीस मसाला भी होता है, हमारे देसी टच देने के लिए मैक्रोनीस मसाला रखा मैंने, तो मैंने कहा कि मैक्रोनीस मसाला तो नहीं चाहिए। घर ही मैं मसाले खोलने लगी थी, वहाँ से मुझे या मतलब हुआ कि मतलब बन सकता है एक अलग से टेस्ट, तो टिक्का मसाला पड़ा हुआ था घर में, मैंने कहा आज हम टिक्का मसाला वाली जो है ना वो क्या करते हैं उसको चूल्हा भी गंदा हुआ साफ करना, आपको वैसे घर के चूल्हा साफ करके और वो करके सोती हूँ लेकिन आज नहीं हो सका मेरा, तो फिर ना मैंने कहा ज़रा टिक्का मसाले वाली जो है ना वो बना के मैक्रोनीस और शूट किया मैंने आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। चलिए नाश्ता बना लेते हैं, कौन कौन सा अंडा खाओगे तुम लोग, कौन सा कल वाला हाफ फ्राई ब्रेड है, ब्रेड के साथ हाफ फ्राई खाओगे, पराठा नहीं है हाफ फ्राई, एक के का गद्दी होती है जिसके ऊपर एक के का गद्दी होती है पर नीचे से अंडा बड़ा होना चाहिए मतलब वाइट उसमें फैली हो, एक के का कुड़की वाला अंडा, तीनों का हाफ फ्राई मतलब होता है पर तीनों की अपनी ही वो होती है क्या कहते हैं डिमांड, बोल तीनों एक ही ले जाना आपको कल की तरफ वो उसको अंडे की से फैली हो गद्दी को फाड़ दूं या इसी तरह दस्तखान हम बिछाते हैं यही और चादर बिछा देते ताकि चूरा छूरा जो है ना वो ब्रेड का ना गिरे, वो बहुत गुस्सा आता है मुझे भी और अली को भी, तो यहाँ हम करने वाले हैं नैशिता और मेरा अंडा ही लाल, वाह 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 आप खुद लाए, हम ना दस्तखान सारा बच्चा लगाते हैं और बच्चा लोग और दस्तखान सारा उठाते भी बच्चा लोग हैं, लाइट जला दो ना यार, बच्चा लोग दस्तखान नहीं बिछाता, हाँ ये बच्चा लोग नहीं बिछाता सर, ये बच्चा लोग काम चोर है, ये बच्चा लोग कोई काम नहीं करता, ये बच्चा लोग हमेशा बच्चा बन के रहने वाला बच्चा है, इसका ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आमीन होता है साथ। नॉर्मल रूटीन में जो है ना ये लोग नाश्ता बहुत कम करते हैं और लेकिन संडे में बहुत टाइम हो जाता है संडे सैटरडे तो ये लोग जो है ना फिर उस टाइम से ही वाला नाश्ता करते हैं, फिर दिन का रात तक का खाना लेट खाते हैं, रात को दिन को खाना नहीं खाते। हमारा हो गया है नाश्ता और ये एक ऐसी चीज़ है जो सब ऐसी मखलूक है जिसका सबका नाश्ता हो जाता है और ये स्टिल सबका हजम भी होना शुरू हो जाता है, ये स्टिल जो है ना ये बैठा रहता है, हाँ कमेंट करें और कौन कौन ऐसे खाना खाता है इसकी तरह। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, अच्छा खाना खाने के बाद हमने क्या करना है, हाथ तो धो लिए ना तुम लोगों ने, उसके बाद क्या करना होता है, दस्तखान उठाना था, गुड दस्तखान उठाते हैं मेरे बच्चे साफ करके, ठीक है दस्तखान सारी चीज़ें तुम दोनों सारे उठाओगे, अब्दुल्ला दस्तखान शीट साफ करेगा एंड चादर चाड़ेगा,
ओके अब नेक्स्ट आज हम काम आप में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। आज सैटरडे है, पहले हम घर की सफाई सफाई घर की पहले सब आहिस्ता मेरी बात सुनो, पहले घर की सफाई सफाई करेंगे, घर के काम करेंगे एंड देन मैं सब्जी लेने जाऊँगी। मैं ओके सुने, मैं जा रही हूँ बर्तन धोने और किचन को समेटने। आप मुझे बताओ कि बिस्तरे कौन सारे समेटेगा और पोंछा। अच्छा बात सुने अब्दुल्ला, जैनू बात सुने, आपने ना सारे बिस्तरे आपने सारे पोंछा लगाना है और इन शीशों को भी थोड़ा सा कपड़ा मारना, ठीक है। किचन मैं कर दूँगी, नादे इली आप कह रहे थे वॉशरूम समेटना नहीं होता ना, वॉशरूम का साफ करना होता है। अच्छा बिस्तरे फिर यार पोंछे का भी ऐलान बहुत बड़ा है, इसलिए आप वॉशरूम भी धो लें और बिस्तरे आप सिर्फ क्या करना उठा के ये रख के आया करेगा, ठीक है। आधे आधे रास्ते में ये बिस्तर फेंकते जाएंगे दोबारा दो। अच्छा आप मुझे ये बताएं इस बंदे से क्या कह रहे थे नादे ली आप, कि इससे क्या काम कराया जाए। नहीं नहीं क्या काम आपने कमेंट में बताना है कि इस काम चोर बंदे को कैसे काम पर लाया जा सकता है, ये आपने ज़रूर हमने बताना है। अच्छा चलें ठीक है, ये सारा काम करना है। ओके तो चलें बिस्तरा आपके साथ मैं नादे ली समेटवा दूँगी, चादर आप दोनों मिलकर समेट लेना, उसके बाद वॉशरूम आप साफ करेंगे, जैनू आप इधर उधर के काम के लिए जो आपको हेल्प के लिए बुलाएगा आप वो काम करेंगे। ओके चलें जी, फिर उसके बाद हमने खाना भी बनाना और होमवर्क भी करना है यार। ओके चलें यार, तू तो नाश्ता ख़त्म करें अल्लाह का वास्ते यार। अरे जानी नमाज वाला कमरा जो है ना वो गंदा हुआ था, तो हमने कहा उसको सफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे आज सारी, जैन क्या कर रहे हैं बजा रहा है गाना, जैन के साथ सारी जो है जाली माजें ऊपर छत पे डालने जा रहे हैं धूप में, तब तक झाड़ के जब तक दिन तक हम नमाज पढ़ेंगे जाली माजें में झाड़ी जाएंगे। स्टील को धोना है और ये स्टील पड़ा हुआ है इसको मैं धोऊंगी आज या कल इंशाल्लाह। यार ये नाला वगैरह को पीछे ले जाते हैं, बहुत ख़राब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप है। ये छत भी अभी तक मैंने साफ नहीं किया, जो पहले वाले लोग बंद करके गए हैं पड़ा हुआ है। जी हमने अब सारा घर जो है वो समेट लिया, सिर्फ किचन रह गया क्योंकि मैं इनकी हेल्प करवा रही थी पहले, और ये लोग भी थक गए, इनको हमने नहला धुला के साफ़ कर दिया है और अब ये बैठ के पढ़ेंगे अच्छे बच्चों की तरह। तो क्या कहेंगे अपना, अगर आपको हमारी सफाई पसंद आई हो तो आप भी छुट्टियों में अपनी मामा की हेल्प करवाइएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलिएगा। और एक और बात, हम इस काम चोर से कौन सा काम करवाएं आप ये कमेंट पे जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में हमें रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।